हरिओम श्री राम अंबज्ञान। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह खुरे है। मैं रामबाग उपासना केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। जैसे हम अगर देखा जाए तो बापूजी के जो हमें अनुभव आते हैं वो ऐसे रहते हैं कि हम किसी एक विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हैं, फिर उसके बाद बापूजी ने किस तरह से हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाला और हमारी रक्षा करी, इस तरह के हमारे अनुभव होते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है ये इस तरीके का था कि जो अभी लॉकडाउन लगा था उसमें बापूजी ने मुझे किस तरह से नई नई चीजों को सिखाया और इसके आगे हमें और आगे किस तरह से हमें और आगे नई नई चीजें सीखनी चाहिए इसके बारे में मुझे पता लगा। तो मैं बात कर रहा हूँ हैम रेडियो के बारे में। तो जब लॉकडाउन लगा था उस समय रसिका वीरा संत, ये वीरा नासिक के वीरा है ये, इनका मुझे तथा मेरी सिस्टर को मैसेज और फिर कुछ समय बाद कॉल आए थे। तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो लिस्ट है उसमें सबसे कम इसके आप फिलहाल अभी हमारी लिस्ट में है, तो हम चाहते कि मैं आपको और आपकी जो सिस्टर है उन्हें हम हैम रेडियो के बारे में सिखाएं कि ये क्या होता है, इसका हम यूज क्यों करते हैं। क्योंकि बापूजी ने 2025 जो राम राज्य बुक है उसके अंदर बापूजी ने हैम रेडियो के बारे में भी हमें बताया है। तो उन्होंने इस तरह से हमें इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद बापू कृपा से मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मुझे और मेरी सिस्टर को हैम रेडियो के बारे में जानने का मौका मिला। इसमें उन्होंने हमें बताया कि आप और आपकी सिस्टर, आप दोनों एक बार इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, सीख लीजिए इसका यूज। उसके बाद फिर आप इसी चेन को आगे बढ़ाते हुए आप आपके मध्य प्रदेश में जो बापूजी के जो केंद्र है वहां पर आप इसे बढ़ाइए और इस तरह से हम इसकी एक चेन क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने हमें हैम रेडियो के बारे में, टोन जनरेटर के बारे में, मॉर्स कोड क्या होते हैं, हम इसका क्यों यूज करते हैं, ये सब जानकारी दी। और लॉकडाउन में जैसे अगर हम किसी किसी और जो नॉन बापू भक्त है अगर हम उसे पूछते थे कि आप किस तरह से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सब अधिकतर यही बोलते थे कि हमारे बहुत बोर हो रहा है, इस तरह से कुछ बताते थे वो उनके बहाने। लेकिन अगर हम हमारे बापू भक्त में किसी से अगर पूछे तो उनका सुबह से शाम तक उनका दिन किस तरह से जाता था उन्हें खुद को भी समझ नहीं आता था, क्योंकि सुबह से उनका पठन चलता था या फिर उसके बाद उनने अगर वो उसी बीच कुछ बापू भक्त हमसे, हमारे मध्य प्रदेश के जो है वो हमसे हैम रेडियो के थ्रू भी जुड़े थे, तो हम हमारी खुद के जो मध्य प्रदेश के नेट थे वो भी लेते थे। तो हमारा उस तरह से हमारा दिन बीत जाता था और हमें पता भी नहीं लगता था कि वो जो लॉकडाउन का जो समय था वो किस तरह से व्यतीत हो गया, हमें उसके बारे में भी पता नहीं लगा। और इस तरह से बापूजी ने हमें उस जो लॉकडाउन था जिसमें सब लोग बोर हो रहे थे उसमें भी बापूजी ने हमारे समय को किस तरह से सदुपयोग कर दिया, मतलब एक नई चीज हमें बापूजी ने सिखा दी उस समय। तो इसी के साथ ये मेरा अनुभव था। हरिओम श्री राम अंबज्ञानात् सम।